हजारों लाखों की संख्या में दैनिक यात्री जाते। मेट्रो के आने से उन्हें बहुत बड़ी राहत, विकास पलवल में और तेज गति से पहुंचेगा। आवागमन का भार भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए, कोई भी अधिकारी अगर किसी भी तरह की अपने काम के प्रति कोताही बरतेगा करके उन्हें अपनी समस्याओं को बताया और उन समस्याओं का समाधान भी हुआ। प्रदेश भाजपा की सरकार चुनावों को लेकर लगातार गठजोड़ और भागदौड़ में लग चुकी है। वही मुख्यमंत्री की गौरवशाली भारत रैली में जो घोषणा पलवल के लिए पलवल से मेट्रो विस्तार के लिए की गई थी और उसका काम अब जमीनी स्तर पर भी शुरू हो चुका है। कोई खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के विधायक दीपक मंगला, उनसे जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और उसके चंद घंटे बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू हुई और जो सौगात पलवल को दी उससे कितना फायदा इस क्षेत्र की जनता को होगा। विधायक जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? देखिए, हमारी जो 25 तारीख की जो रैली हुई थी उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो एक बहुत बड़ी सौगात हमें बल्लमगढ़ से लेके पलवल तक मेट्रो की दी, उसको लेकर के मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ पलवल क्षेत्र की जनता की तरफ से। और ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है। इस सौगात को हमारे पलवल क्षेत्र की जनता सदैव याद रखेगी। और जिस तरीके से हमारे पलवल में कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो KGP है, चाहे वो KMP है, चाहे वो दिल्ली बड़ौदा रोड है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट है, चाहे वो हमारा पलवल से लेके सोनीपत तक रेल कॉरिडोर है, चाहे अलीगढ़ रोड पे जो जाम की स्थिति रहती थी वहाँ पर जो एक इंटरचेंज बनने का काम हमारा चल रहा है, इससे उसमें अगर कहीं कोई एक कमी थी वो हमारे पलवल में मेट्रो की कनेक्टिविटी की थी। और ये इसलिए भी ज़रूरी थी कि पलवल के अंदर हमारे पलवल हतीन होडल हसनपुर पनाना पिनागवा इवन कोसी यूपी से भी बहुत दैनिक यात्रियों का आवागमन बल्लमगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आना जाना है। हजारों लाखों की संख्या में दैनिक यात्री जाते हैं, उनको बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर मेट्रो के आने से उन्हें बहुत बड़ी राहत तो मिलेगी, उसके साथ साथ पलवल क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य और विकास पलवल में और तेज गति से पहुंचेगा और एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण इसको लेकर के बना है। क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर व्यापारिक तौर पर बात की जाए या बिजनेस तौर पर बात की जाए तो मेट्रो आने से कितना फायदा क्षेत्र के लोगों को इससे मिलने वाला है, क्योंकि व्यापार पलवल से बहुत होता है? देखिए, कहीं ना कहीं इससे क्या फायदा है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी बड़ी थोक की मार्केट है उसमें डेली का आना जाना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की शहर की दुकानदार भाइयों का, बहुत बड़ी संख्या में हमारे रोजगार और नौकरी पेशे वाले लोग हमारे बल्लमगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद की फैक्ट्रियों में काम करने के, गाजियाबाद, नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और निश्चित तौर पर उनको तो फायदा होगा ही, और बहुत बड़ी मात्रा में जो इतनी भीड़ और जो ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, जिस तेज गति से पलवल के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ रही थी उससे आवागमन का भार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर हमारे व्यापार भी हमारा बहुत बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा भी बहुत मिलेगी और जो विकास की जो गति है वो बहुत तेज गति से हमारा विकास होगा, वो बहुत तेज गति से बढ़ेगी। और इसमें मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा की और घोषणा के तुरंत बाद अफसरों की एक टीम टेक्नो फिजिबिलिटी के लिए बल्लमगढ़ सेक्टर 58-59 से लेकर के जो हमारा सीकरी है, सोपताहर पुली फली है, जो हमारा पिरतला है, हमारा बगोलार पलवल तक लगभग ये 24 किलोमीटर का एरिया है, इसकी टेक्नो फिजिबिलिटी के लिए यहाँ अधिकारियों ने दौरा भी किया है। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो की है और कितनी जल्दी ये सौगात, ये काम पूरा होने की उम्मीद आप जता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को सौगात आपकी तरफ से दी जानी है? देखिए, ये निश्चित तौर पर जो है, देखिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, घोषणा के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लेकर के
टीम को यहाँ सर्वे के लिए भेजा और बोर्ड की मीटिंग बुलाने, जल्द ही बोर्ड की मीटिंग बुलाने की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इस योजना के पर जो लगभग लागत आने वाली है वो 4,320 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, लगभग माने तो 180 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए घोषणा की, घोषणा के साथ साथ इस पर तेजी से संज्ञान लेकर के काम शुरू होने की जो प्रक्रिया शुरू की है, इसके लिए तो हम बारंबार प्रबल क्षेत्र की जनता उनका अभिनंदन करती है। विधायक जी, क्योंकि पिछले 5 साल काफी सूझबूझ के साथ सरकार ने निकाले हैं, गठबंधन के साथ सरकार चलती रही है, जो रुके हुए कार्य हैं उनको लेकर किस तरह से अब अधिकारियों के साथ आपकी समन्वय बैठक होती रहती है, कब तक उम्मीद की जा रही है? क्योंकि आरओबी की बात की जाए या फिर और जो रुके हुए विकास कार्य हैं, चाहे स्टेडियम की बात हो चाहे वो डंपिंग प्लांट की बात हो, तो कब तक पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, बहुत ऐसे हमारे विकास कार्य है, कुछ विकास कार्य हमारे जैसे कि ये एलिवेटेड फ्लाई ओवर है, इसका काम हमारा पूरा हो गया। हमारा जो एक बहुत बड़ा काम 189 करोड़ रुपए की जो हमारी रैनीवेल की योजना हमारी पूरी हो गई, और जो हमारा यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अमृत योजना के तहत काम है वो भी हमारा काम पूरा होकर के उसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है। आरओबी का काम भी हमारा मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। हम जो ये हमारे जैसे स्टेडियम के काम है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये काम भी, क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमारे विकास की रफ्तार रुकी थी पलवल के अंदर, अब इन दिनों में वो काम हमारे पूरे हों। कुछ रोड्स को लेकर के भी अगर मैं कहूँ तो हमारे पलवल के अंदर रोडों को भी मुझे लग रहा है कि हमारी 36 रोड हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी के तहत 25 करोड़ रुपया मुझे मेरी विधानसभा के लिए बनाने के लिए दिया, जिसमें लगभग 36 रोड हैं। कुछ रोडों का काम शुरू हो गया, कुछ का शुरू हो जाएगा। क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं, जनसंवाद कार्यक्रम भी लगातार मुख्यमंत्री जी के भी चल रहे हैं, अब वही कमान मंत्रियों को सौंप दी गई है, तो अधिकारियों पर की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती है, तो उसके ऊपर आप किस तरह से संज्ञान आगे लिया जाना है? चाहे कल की बात करें तो परिवहन मंत्री जी ने एक बड़ा संज्ञान लिया और आप भी वहाँ खुद स्वयं मौजूद थे और आपने भी वहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनको फटकार लगाई, तो ऐसी लापरवाही अधिकारियों की लोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर किस तरह की आगे कार्रवाई रहेगी? देखिए, आपने देखा होगा जहाँ पर कोई भी अधिकारी अगर किसी भी तरह की अपने काम के प्रति कोताही बरतेगा, लापरवाही बरतेगा, तो उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और मैं जिस तरीके से हमारे कल हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने भी सफल दौरा किया, बहुत गांव के लोगों ने अपनी उसमें बड़ी रुचि दिखाई विकास कार्यों को लेकर के, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और उन समस्याओं का समाधान भी हुआ। और एक और है, मेट्रो को लेकर के हमारे ग्रामीण अंचल में भी एक बहुत बड़ा खुशी का वातावरण बना है। और मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से हमारे पलवल के ऊपर विकास कार्यों को लेकर के विशेष तौर पर स्नेह और आशीर्वाद रहता है, ये उसी के परिणाम है कि आज हमारा पलवल विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। एक आखिरी सवाल बताइए आपसे, ये कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से 84 कोस की जो प्रकम्मा थी उसके सुधारीकरण का कुछ काम शुरू होना था, परंतु अभी किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो कब तक उम्मीद उन लोगों को भी की जाए, क्योंकि पलवल खुद ब्रज का क्षेत्र कहलाता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पहले 2015 में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर के एक हमारी मीटिंग बुलाई थी, मैं स्वयं उस मीटिंग में मौजूद था, तो एक कमेटी भी बनाई थी, क्योंकि ये लगभग ब्रिज परिक्रमा में जो मार्ग आता है ये लगभग 35 किलोमीटर का मार्ग हमारे हरियाणा का आता है, जिसमें लगभग 28 किलोमीटर का मार्ग हमारे पलवल जिले का आता है और 7 किलोमीटर का मार्ग हमारा नूह जिले का आता है। और उसको लेकर के नूह जिले के अधिकारी और हमारे पलवल जिले के अधिकारी और कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ एक कमेटी का गठन हुआ था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा से कुछ पैसा वहाँ पर विकास के लिए दिया था। उस समय जो हमारे मल के महीने में जो हमारी ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा चलती है, तो श्रद्धालु जनों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो वो तो उसमें अभी मुझको लेटेस्ट स्थिति तो पता नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत ना रहे, तो अगर इसमें अगर कहीं कोई कमी है तो वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके
इस मार्ग को भी ठीक और दुरुस्त करवाने का काम करवाएंगे। देखिए, हमारे साथ थे पलवल के विधायक दीपक मंगला। उनका साफ कहना है कि वो पलवल को मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे व्यापार की बात करें, उसका भी इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो अधिकारी जिनका काम कुछ नहीं दिख रहा है या फिर उनके खिलाफ लोगों की जो भावनाएं, जो उनका कार्यशैली के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन सरकार व विधायक की तरफ से लिया जाएगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।